बालाघाट जिले के भरवेली थाना में एक नाबालिग पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वसुंधरा मेश्राम नामक परिचित युवती ने ग्राम आंवलाझरी स्थित ACH कंपनी में काम दिलाने का झांसा देकर पहले 2500 और फिर 50,000 रुपए ऐठ लिए। साथ ही बताया गया है कि इंटरव्यू के बाद 20,000 रुपए सैलरी दी जाएगी, उसके बाद 3 महीने तक मुझे ना मेरे पैसे मिले और ना नौकरी। इतना ही नहीं, वसुंधरा और उसके 3 दोस्तों ने मेरी फेक आईडी बनाकर तथा मेरी कुछ अश्लील फोटो खींचकर और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया है। इस बारे में CSP अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है, जाँच के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। ACH कंपनी का कुछ मामला सामने आया, क्या तथ्य है सर और क्या है? इसमें भरवेली थाने में एक लड़की और ACH कंपनी के विरुद्ध मामला सामने आया है, जिसमें लड़की के द्वारा शिकायत की गई है और उसके अगेंस्ट ACH कंपनी के द्वारा भी SP ऑफिस में आवेदन दिया गया है। इसमें हम दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं और जो भी उसका निष्कर्ष निकलता है या जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे, जिस पक्ष के विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे।